सीन एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से रह सकती है। मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास है, क्या नया हाई बन सकता है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट होती है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती है तो वहाँ पे लोअर हाई का टर्म स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर करेक्शन की भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं, वो एक इंडिकेशन होगा। बट सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, चार्ट्स देखेंगे प्लस ऑप्शन डाटा को एक बार स्टडी करेंगे एंड चेक करेंगे कि FII क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं 3 स्टॉक्स बताऊंगा, उसके बाद हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो के अंदर बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है UPL। UPL आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। एंड सबसे पहले आप ब्लू कलर के जोन को आराम से चेक करिएगा। ब्लू कलर के जोन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 2019 पे एक रेजिस्टेंस फेस करा था UPL ने अराउंड 680 या 690 के आसपास, एंड वहाँ से बहुत शार्प फॉल आया था जो ऑलमोस्ट उसको 250 रुपीज़ तक ले गया था, बहुत बड़ा शार्प फॉल आया था। उसके बाद ये दोबारा रिकवर करा एंड 2021 मार्च पे इसने दोबारा एक बार ट्राई करा बट दोबारा नीचे एंड फाइनली इट गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। अब आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो शार्प फॉल आया था तो डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस था ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब इसको ब्रेक करा है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम आप क्लियरली देख सकते हैं, बहुत अच्छी मोमेंटम है ये 700 से ऑलमोस्ट 850-860 तक चला गया था। अब आप क्लियरली अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर है और कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई मेंटेन कर रहा था। अब यहाँ पर इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ है। कैसे ट्रेंड रिवर्स हुआ है लेट मी शो यू। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई था। देखिए जो मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूँ एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा था अभी अब जब मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर लोअर हाई बन जाता है तो हमें एक करेक्शन का संकेत मिल सकता है, वो एक रिवर्सल का साइन हमें मिल सकता है। वो कैसे इस पॉइंट में समझ लीजिए आप लोग, ये देख सकते हैं ये प्रीवियस स्विंग हाई है, नीचे आया अगेन ऊपर, ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा एंड नीचे आ गया अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। इसने क्या बनाया, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। अगेन इट मूव्ड अप, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, नीचे गया अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। सो अभी क्या पैटर्न चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई। अब दोबारा ऊपर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा और नीचे आया बट अपने लो को भी ब्रेक नहीं करा। आप क्लियरली अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसने अपने लो के क्लोजिंग पॉइंट को भी ब्रेक नहीं करा है, यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा है। अगर यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट करा यानी कि वहाँ पर जो लो की लिमिट थी, जो डाउन साइड थी, वो खत्म हो गई है। उसके बाद ये दोबारा ऊपर गया और इसका जो ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। आई थिंक अब ये जो डाउन ट्रेंड चैनल था यहाँ पर एक रिवर्सल आया और यहाँ से अब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक इम्पल्स मूव थी, ये इम्पल्स मूव देने के बाद एक चैनल के अंदर काम कर रहा है और इसका ब्रेकआउट दे रहा है। क्लियरली एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न है और यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। क्या आप यहाँ पर इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं सर जो लगता है कि इसको बाय के लिए हमें बता रही है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसने जब इतने बड़े दो साल के हाई का ब्रेक कर रहा था, दो साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद क्लियरली यहाँ पर इसने एक रीटेस्ट करा और रीटेस्ट करने के बाद एक डबल बॉटम क्रिएट करा विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं एक फिबोनाची बनाता हूँ, ये रहा मेरा बॉटम एंड ये रहा मेरा टॉप। आप क्लियरली देख सकते हैं एग्जैक्टली 618% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है एग्जैक्टली वहाँ पर ये हॉल्ट करा है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आपके माइंड में एक छोटी सी चीज़ आ रही होगी, सर आप ये देख रहे हैं ना ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो इससे थोड़ा सा तो नीचे है, मतलब अगर मैं आप लोगों को इस वे में दिखाना चाहूँ तो आप लोगों को इस तरीके से लग रहा होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड लेट मी शो यू। ये आपको लग रहा है ना ये एक डाउन ट्रेंड है, ये थोड़ा सा लो है बट अगर आप RSI को देखेंगे, चेक दिस आउट, आप RSI देखेंगे RSI अपवर्ड है, देख रहे हैं RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट, यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ थी वो अपसाइड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रही थी और यहाँ से स्टॉक ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर गया। सो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें बता रही है कि स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सो करंट प्राइस 738 रुपीज़, हम लोग 740-742 के ऊपर बाय कर सकते हैं एंड माई फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 760-765 रुपीज़ का। उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो हम लोग अगले दिन भी आप लोग स्टॉक रिकमेंड कर सकते हैं बट अभी के लिए आप लोग टारगेट रख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 726 रुपीज़ का, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टॉक की। सो हमारा सेकंड स्टॉक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स को भी मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है तो आप लोगों को मुझे पता है ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी तो मैं एक मिनट के अंदर आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा।
सबसे पहले आप ये ऑरेंज कलर का अगर आप ये जोन देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता है कि यहाँ से स्टॉक एक बार ऊपर गया, अगेन यहाँ से स्टॉक ऊपर गया एंड अगेन यहाँ से आके स्टॉक ऊपर गया, तो ये एक डिमांड है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर डिमांड आती है और ये दोबारा प्रेशर की तरफ से ऊपर चले जाता है। अब यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या है कि जब भी स्टॉक इस पर्टिकुलर रेड लाइन के पास आता है तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ जाती है, दोबारा सेलिंग प्रेशर आ जाती है। इतना पॉइंट क्लियरिफाई हो गया। अब आप देखिएगा ये मैंने इसके अलावा दो लाइंस ये बना रखी हैं ब्लू कलर की। अब देखिए इसने एक इम्पल्स मूव दी, इम्पल्स मूव देने के बाद ये भी सेम तरीके से एक डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर फॉर्म कर और फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। वेरी गुड ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा नीचे आया। दोबारा नीचे आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं इसने इट फॉर्म अ डबल बॉटम। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने एक डबल बॉटम फॉर्म करा और दोबारा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली था कि इसने एक डाउन फ्रंट चैनल को ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट, फॉर्म्ड अ डबल बॉटम एंड इट स्टार्टेड टू मूव बैक अप अगेन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये मैंने लिखा हुआ है बुलिश हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ दिख रहा है ना आपको एक बुलिश हेड एंड शोल्डर भी था इसी चैनल के अंदर और इसका भी ब्रेकआउट था। तो गाइस अब यहाँ पर मैंने एक आखिरी लाइन और ड्रॉ करी हुई है जो कि ये वाली लाइन है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये टॉप है एंड इसको कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी है। तो अभी एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे है बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी फाइनली इसका ब्रेकआउट आ सकता है और ये और नए लेवल्स दिखा सकता है। सो करंट प्राइस है 234 रुपीज का। अगर आपको थोड़ी सी डिप भी मिल जाना है 231-230 के आसपास तो भी आप इसे बाय कर सकते हैं। अब स्टॉक ने एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट कर दिया तो बढ़िया जो बाय रेंज बनेगा वो बेसिकली इसी के आसपास पड़ेगा। ये जो आप जोन देख रहे हैं ना इसके आसपास एक बढ़िया बाय जोन बनेगा बट आप इसी लेवल पे भी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके चल सकते हैं। माई टारगेट शुड बी अराउंड 240 जो कि मेरा मिनिमम टारगेट है। एंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो कि ये फेस कर सकता है। लेट मी शो यू दिस। ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है क्योंकि यहां से एक बार नीचे आ चुका है, दूसरी बार नीचे आ चुका है एंड तीसरी बार नीचे आ चुका है। अब आपको एक चीज मैं और बता देता हूं, मैं सारी चीजों को आपके सामने अभी हटा रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों के लिए इजी चीज करना चाहूंगा क्योंकि इसका भी क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार 240 तो बिल्कुल पास में है ना, 6 रुपए का ही तो टारगेट है, क्या इसके ऊपर जा सकता है, क्या ये अपने सप्लाई जोन तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, डेफिनेटली पहुंच सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शो यू। ट्रेंड लाइन को भी हटा देते हैं। हमने बोला कि आप इसी लेवल पे बाय कर सकते हो या डिप पे बाय कर सकते हो। अब मेरा टारगेट है 240 रुपीज, 239 रुपीज के आसपास का। अब आपके माइंड में आप देखिए यहाँ पर एक पैटर्न दिख गया होगा, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और अगेन एक ये शोल्डर फॉर्म कर रहा है। तो शोल्डर का जैसे ही एक ब्रेकआउट आएगा तो ये टारगेट तो मिनिमम है। इसके अलावा जो इसकी अपसाइड है ऑलमोस्ट 260 रुपीज के आस तक की है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है स्टॉक, इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। एक्यूमुलेशन लेवल 222 से लेकर 225 के आसपास है और डिप मिले तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे को लगता है कि ये स्टॉक इनवैलिड तब होगा, मतलब ये डाउन ट्रेंड के अंदर तब आना स्टार्ट होगा जब ये अपने 220 के लेवल को ब्रेक करेगा, अदरवाइज ये अप ट्रेंड के अंदर अभी स्टॉक है। तो स्टॉक का नाम था अपोलो टायर्स। बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो मेरा लास्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पे आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। ठीक है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना, इस कप एंड हैंडल पैटर्न का इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इट गिव अ वेरी गुड रीटेस्ट, रीटेस्ट देने के बाद दोबारा इट गिव अ रीटेस्ट एंड क्रिएटेड अ डबल बॉटम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको दो चार्ट्स और दिखाए थे ना, सिमिलर स्ट्रक्चर था, तो मैं आप लोगों को तीन स्टॉक्स एक ही स्ट्रक्चर से समझा रहा हूं कि आपका माइंड समझ में आए। अब आपको ये चीज सीखने की, ब्रेकआउट देने के बाद अगर उसी लेवल पर डबल बॉटम बनता है रीटेस्ट के समय तो क्या वो स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो इन तीन स्टॉक्स को पहले अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करिए, एक हफ्ता ऑब्जर्व करिए कि आपने टारगेट तक पहुंच भी रहा है, क्या स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, क्या चांसेस हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, अब यहां पर डबल बॉटम बना, ऊपर चला गया। अब आप देख रहे होंगे ये स्टॉक, ये पर्टिकुलर स्टॉक जब से इसने एक शार्प इंपल्स मूव दी है, ये बहुत टाइम से इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है, ऑलमोस्ट इसे 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो यहां पर आप लोगों को क्लियरली पता होगा कि ये एक इंपल्स मूव थी, ये एक रेंज है, तो यानी कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। अब एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है तो इसका डेफिनेटली ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। अगर ब्रेकआउट हायर साइड में होगा तो आप देख सकते हैं हमें इस ब्रेकआउट के ऊपर ही बाई नहीं करना। ये ब्लू कलर का जोन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जोन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। कैसे, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप देख रहे हैं, सबसे पहले इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सी, ये ब्लू कलर का जोन जो मैंने बना रखा है एग्जैक्टली यहां पर आप लोगों को दिख जाएगा। यहां पर सबसे पहले इसने सपोर्ट लिया, एक बहुत बड़ी शार्प मूवमेंट दी, तो यहां पर इसके लिए सपोर्ट हुआ। जब जैसे ही इसने सपोर्ट को इस लेवल पे आप देख रहे हैं ब्रेक डाउन करा, इट गेव अ रीटेस्ट और दोबारा एक शार्प फॉल आई। तो यानी कि जब इसने ब्रेक डाउन करा, इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस।
तो मैं अगर दोबारा इधर आता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा, देखिए दोबारा मैं इधर आया तो दोबारा ये रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है ना तो एक बार ये शायद रीटेस्ट करने दोबारा आए 190 रुपीज के लेवल पे। हमारे लिए बाय करने का तरीका ये है कि अगर आधे घंटे एक घंटे की कैंडल 1193 के ऊपर क्लोज होती है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया सेटअप है स्टॉक को बाय करने के लिए। अब बात करते हैं सर टारगेट्स क्या है। तो मेरे लिए ये एक स्विंग ट्रेड है, मतलब 3 महीने के परस्पेक्टिव से मैं लेकर चल रहा हूँ। जो प्रीवियस स्विंग हाई है ना, ये मेरा बेसिकली टारगेट है जो कि 1500 रुपये का लेवल है। अब अगर आपको चाहिए सर 1500 रुपये तक के लिए वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना। देखिए आपने अगर इसके अंदर 100 क्वांटिटीज बाय करी है तो आपको सबसे पहले 30% क्वांटिटीज तो आप लोगों को इसके आसपास निकाल देनी है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 30% क्वांटिटी होगी वो आप लोगों को यहाँ निकाल देनी है, एंड जो आपके पास रिमेनिंग लास्ट 40 क्वांटिटीज बचेगी वो आपको अपने टॉप के लिए निकाल देनी है। अब जैसे ही आपका सबसे पहला टारगेट हिट होता है आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जैसे आपका दूसरा टारगेट हिट होता है अपने स्टॉप लॉस को अपने बाय प्राइस पे ले आएंगे, एंड आपका थर्ड टारगेट पर आप अपनी पूरी क्वांटिटीज को एग्जिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने सारे स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग प्लान करके चलना है तो ही आप अपने लॉसेस को कट कर पाएंगे एंड प्रॉफिट्स को सेव कर पाएंगे। सो अब बात करते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा गाइज मैंने आप लोगों को रिसर्च रिपोर्ट, मेरी जो पर्सनल रिसर्च रिपोर्ट होती है कि हमें नेक्स्ट वीक कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, कौन सा बेटर ऑप्शन है जो आप ट्रेड कर सकते हो, इसके अलावा कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आपके मेल में प्रोवाइड करवा दी। जिन लोगों ने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म था उसे भरा होगा, तो अगर आप लोगों को मिल गया होगा तो प्लीज़ गो एंड चेक। शिवांश भसीन मेरे नाम के थ्रू आप लोगों को मेल आया होगा, तो मेल आईडी होगी team@theinvestrology.com, तो वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेल पसंद आता है तो प्लीज़ हम लोगों को बता सकते हैं, या क्या क्या चेंजेस की नीड है तो वो भी आप मेल के थ्रू बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। सो मैं निफ्टी के चार्ट पे क्लियरली आ चुका हूँ, एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी जो मैंने सबसे पहला स्टॉक बताया UPL, उसमें मैंने बताया था ना कि अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, लोअर लो कन्फर्मेशन स्टार्ट हुआ। सिमिलरली ये इसका हाई है, ये इसका करंट हाई है, ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। अगर ये कल एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक डबल टॉप बन चुका है। ये देख रहे हैं ये एक अभी डबल टॉप टाइप सिनेरियो है। अगर ये गैप डाउन होती है तो हम इतना बात तो समझ गए कि अभी जो एक हाई है ये वाला, ये अभी के लिए इंटैक्ट है, ये शायद ब्रेक ना हो पाए और उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा। और ये जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है, अगर इसे ब्रेक कर देगा एक बार आने वाले टाइम पे, तो उसके बाद जब भी ऊपर जाएगा हमें ऊपर सेल करना है। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, हम लोग बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं बिकॉज मार्केट इज बुलिश। मार्केट बियरिश होना कब स्टार्ट होगी, कंफर्मेशन मिलना कब स्टार्ट होगा, जब अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा और अपने लो को ब्रेक कर देगा, तो वहां पर हायर लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट हो जाएगा, वहां पर हमें फिर सेल ऑन राइज स्टार्ट करना है, अदरवाइज अभी बाय ऑन डिप्स है। सो कल देखिए दो चीजें हो सकती है जिससे हमें अपना कंफर्मेशन मिलेगा। अगर इसने ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर और क्लोजिंग हो गई अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, अगर इसने अपनी क्लोजिंग कर दी तो डेफिनेटली गाइज वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से एक हायर आए, हायर लो अभी भी कॉन्फर्मेशन है और कोई भी डिप आई उस डिप में हमें बाय करना है। अदरवाइज अगर ऊपर गया, खुला ऊपर, उसके बाद नीचे आते रहा और इस लाइन के नीचे क्लोज कर गया, जो कि लेवल आ रहा है 17,939.40 रुपीज का, इसके नीचे क्लोज करा, तो वहां पर हम समझ सकते हैं कि हाँ शायद एक सेलिंग प्रेशर दोबारा क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूं आप लोगों के लिए, एंड क्लियरली यहां पर आपको दिख गया होगा ये इसका एक हेड है, सॉरी ये शोल्डर है, ये हेड है एंड ये शोल्डर है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो डेफिनेटली देयर इज अ बाय पोजीशन। और मैं टारगेट्स बताऊं तो ये जो शोल्डर है ना, इतना ही शोल्डर मुझे लगता है टारगेट हमें प्रोवाइड करवा सकता है, इन द सेंस ये मेरा शोल्डर है, दैट इज ये मेरा शोल्डर है, तो मैं अपना टारगेट जो एक्सपेक्ट करके रखूंगा वो इतना टारगेट एक्सपेक्ट करके रखूंगा, दैट इज 18,000 रुपीज का। अगर ये 17,930 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, देन माय टारगेट शुड बी 18,030 रुपीज का मेरा टारगेट होगा, एंड वो इजीली आ सकता है बिकॉज एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी होगा उसके प्रॉब्ली। ठीक है, अब हमें अगर शॉर्ट करना हो बेसिकली तो मेरे हिसाब से देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मैं मान के चलूंगा कि जो इसका टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल, पहला टारगेट होगा जो कि यहाँ पर इसे टेस्ट कर सकता है, इसके नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। तो निफ्टी को हम लोग कल एक बार लाइव मार्केट पे समझ लेंगे और वहां पर हम लोग एक्सपर्टीज ले लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। निफ्टी में कुछ ज्यादा बताने के लिए था नहीं, सो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट क्लियरली ओपन कर दिया है, एंड ये येलो कलर की लाइन देख रहे हैं दैट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि अपने हाईस को कनेक्ट करते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का जोन दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर एक देख सकते हैं रेजिस्टेंस था,
जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ दोबारा नीचे आया इसी लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गया, एंड अगेन यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लास्ट फ्राइडे को इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया था। सो यहाँ पर अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर ये ब्लू लाइन ब्रेक होती है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डाउनफॉल आ सकती है जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को यहां तक लेकर आ सकती है। अगर ये लेवल फॉल होता है दैट लेवल शुड बी अराउंड 37,660 का लेवल। अगर 15 मिनट की कैंडल बनती है रेड कलर की तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 37,450-470 रुपीज का, जो कि इजिली ये बैंक निफ्टी हमें सेल साइड में दे सकता है। अदरवाइज अगर एक ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के टाइम पे हमें बाय करना है इस जोन के ऊपर। ये जोन आ रहा है 38,085 यानी कि 38,100 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, हम बाय करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ, लेट मी शो यू, टारगेट ऑफ 38,350 रुपीज का। तो आप देख सकते हैं इस जोन के अंदर ये जो पर्टिकुलर एक जोन बना हुआ है, इस जोन के अंदर हमें कोई भी काम नहीं करना है। इसके नीचे शॉर्ट है, इसके ऊपर लॉन्ग है। इस जोन के अंदर अगर मार्केट काम करती है तो वहां पर आप एक स्प्रेड बना के अपने प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं और हेजिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। एक स्प्रेड बना लेना तो यहाँ पर अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर बाय विद द टारगेट ऑफ दिस, इसके नीचे शॉर्ट है विद द टारगेट ऑफ दिस। तो बैंक निफ्टी अभी ये है। अब कंफर्मेशन लेते हैं एक बार ऑप्शन डाटा पे और चेक करते हैं कि बुलिश मतलब ब्रेकआउट देने के चांसेस ज्यादा है, गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो एक बार ऑप्शन डाटा को एक बार स्टडी कर लेते हैं। सो आपके सामने मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ओपन करा हुआ है एंड क्लियरली यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सिंपल बेसिस में मैं समझा दूंगा। देखिए जो ग्रीन कलर का ये है, ये इसे कहते हैं पुट राइटिंग। तो हाईएस्ट पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 17,900 रुपीज पे। अभी करंट प्राइस भी 17,900 ही है, तो हैवी पुट राइटिंग है। मतलब अगर कल गैप डाउन देखने को मिलता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉल में ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और जितने भी ये पुट राइटर हैं वो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करना चाहेंगे तो मार्केट और नीचे आ सकती है। तो कल गैप डाउन ओपनिंग तो हमें बिल्कुल भी देखने को जरूरत नहीं है। अगर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है 18,000 पे, जो हमारा बेसिकली टारगेट है, एंड सेकंड हाईएस्ट है 18,200-300 रुपीज के आसपास, जो मैंने कल आप लोगों को इंस्टाग्राम के लाइव में बताया था कि 18,300 तक तो आराम से जा सकती है। अब अगर हम बात करें कि मार्केट के, अगर ये मैं ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखूं तो मेरे को बेसिकली लग रहा है कि पुट राइटर्स भी हैवी है और कॉल राइटर्स भी हैवी है। तो यानी कि नीचे गिरना भी ज्यादा लिमिटेड है और ऊपर बढ़ना भी बहुत लिमिटेड है। तो मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है, मतलब रेंज बाउंड इन द सेंस कि अगर अभी करंट प्राइस है 17,900 तो 17,770 से लेके 18,030 ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक हमें लगता है कि मार्केट काम कर सकती है। 130 रुपए नीचे और 130 रुपए ऊपर तक ही मार्केट का रेंज है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, जब तक हमें ये देखने को लग रहा है। तो कल अगर आप लोग स्प्रेड बनाना चाहें तो इसी बेसिस पे बना सकते हैं। देख सकते हैं कॉल और पुट चेंज में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल सेम है। तो हमें लगता है कि मार्केट कल रेंज बाउंड 200 पॉइंट्स अपसाइड 200 पॉइंट डाउनसाइड ही रह सकती है। इसके अलावा अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट कॉल राइटिंग है और हेवी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 38,000 रुपीज पे, जो कि हमारा अल्टीमेटली टारगेट है। अभी हम लोगों ने बात करा कि 38,000 तक जा सकता है, सॉरी 38,000 कॉल राइटर है, हेवी कॉल राइटर, हमने बोला है कि हमें 38,100 के ऊपर बाय करना है। अब इसके पीछे का लॉजिक है, देखिए 38,000 पे अगर आया बैंक निफ्टी और हमने सोचा साइकोलॉजिकल लेवल और हम लोग बाय करना स्टार्ट करें, ये जो कॉल राइटर्स हैं यहाँ पर और पोजीशंस एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगी और वहां से फिर एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। 38,000-38,030 के आसपास बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे। बट अगर ये ऊपर बढ़ते रहे 38,080 आना स्टार्ट हुआ तो इन लोगों को लॉसेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे एंड ये लोग अपनी कवर अप करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही कवर अप होगा और 15 मिनट की कैंडल अगर 38,100 के ऊपर क्लोज करी तो वहां पे जितने भी कॉल राइटर है ये लोग पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, जो पुट राइटर है वो एंटर करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बेस बनेगा और मार्केट मतलब ये बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। बट अभी देखकर लग रहा है कि अपसाइड 38,000-38,030 या 80 के ऊपर जाने के चांसेस अभी इसमें लग नहीं रहे, जब तक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एक बार मैं आप लोगों को FII का डाटा भी दिखा देता हूँ। FII के डाटा में कॉल उन लोगों ने बाय करी है 1.5 लाख क्वांटिटी एंड पुट बाय करी है 2 लाख क्वांटिटी, तो मेरे हिसाब से वो लोग लिमिटेड बियरिश है कॉल्स पे ऑप्शंस पे। इसके अलावा उन लोगों ने 21 करोड़ की बाइंग करी है, यानी कि वो लोग एक तरीके से रेंज बाउंड है, मतलब लिमिटेड अपसाइड टू डाउनसाइड ही है। ज्यादा हैवी मोमेंटम कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, प्लस FII और DII दोनों ने अपनी सेलिंग करके रखी हुई है स्टॉक्स के अंदर। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को करना क्या है, आप लोग बेसिकली कल मार्केट पे एक रेंज डिसाइड कर सकते हैं। अगर इसी लेवल पे ओपन होता है तो आप लोग ऊपर का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे का पुट शॉर्ट कर सकते हैं और बीच में आप लोग रुक सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग 17,900 का कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर दो, 18,000 का कॉल बाय कर लो और 17,800 का पुट बाय कर लो,
इस तरीके से भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है तो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करना। तो आई थिंक आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिए। रिसर्च रिपोर्ट मैंने आपको सेंड कर दिया, जिन लोगों ने भी वो मेल या गूगल फॉर्म फिल करा था जाके चेक करिए एंड अपने कमेंट्स डू प्रोवाइड। इसके अलावा मैं आज दो स्टॉक्स और प्रोवाइड करवाने वाला हूँ विद अ डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस ऑन माय इंस्टाग्राम, जाके वॉच करिए। प्लस मैंने दो बैंकिंग स्टॉक्स दिए हैं जो आप अगले हफ्ते बाय कर सकते हो, तो उनको जानने के लिए भी आप लोग विजिट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं ना, होप फियर और ग्रीड होते हैं जो मार्केट में, ये सब लोगों ने आपको बहुत तरीके से गलत पढ़ा रखा है। और कोई भी अगर आपको ये चीज पढ़ा रहा है तब भी आप लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप उसको कभी भी फुलफिल नहीं कर पाओगे, आप कभी सीख नहीं पाओगे जब तक आपको जो मैंने पढ़ाया है कल अपनी लाइव आके आप उसे ना देखें। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि सिक्योरिटी साइकोलॉजी वर्सेस ह्यूमन साइकोलॉजी एंड व्हाई ह्यूमन साइकोलॉजी इज अ मिथ एंड यू कांट कंट्रोल इट। तो ये सारी चीजें वो लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप जाके विजिट कर सकते हैं एंड वहां पर आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस पे सब कुछ मिलेगा। एंड मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट भी मैंने अपने लाइव में शेयर कर रखी है, तो वहां पर भी हमें विजिट जरूर कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।